हैरिसॉफ का तूफान आया, ऑस्ट्रेलिया को घर में उड़ाया, और सैम अय्यूब ने जो मजे लूटे हैं उसके बाद, ओ भाई साहब, जो चौके जो छक्के लगाए हैं और रख रख के और हर एक बोलर को डोमिनेट किया यहाँ पर सैम अय्यूब, क्या जोश फसाया नहीं, मतलब पाकिस्तान के लिए सैम अय्यूब तो ऐसे आए कि थोड़ा सा दर्द लेंगे लेकिन उसके बाद दर्द देंगे बहुत ज्यादा। रफ्तार के आगे कंगारुओं की हो गई हार। जी हाँ, तूफान मचा दिया और कंगारुओं को घुटने पर ला दिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया को बोलोगे जी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत खराब खेला, नहीं, पाकिस्तान ने गलत करवाया इनसे, पाकिस्तान के आगे घुटने टेके इन्होंने। पाकिस्तान ने ओवल के मैदान में तारीख रकम करते हुए 9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को बुरे तरीके से शिकस्त फाश दी है, और वो जो गरूर था ऑस्ट्रेलियंस का, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा था जब वो बैटिंग कर रहे थे, खासकर मैक्सवेल जब पाकिस्तानी बॉलर्स पर हंस रहे थे और फिर हारिस रऊफ ने उन्हें बोल्ड किया, तो फिर उनका गुरूर तो वहीं पर बसम हो चुका था। लेकिन फिर जब पाकिस्तान की बैटिंग आई, 163 का टोटल मिला, तो पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर उसे पूरा कर दिया। पूरी दुनिया हैरान है कि ऐसा क्या हुआ पाकिस्तान क्रिकेट को कि अचानक वो तब्दील हो चुकी है, पहले वो इंग्लैंड को मारती है और अब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में, जहां पर उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल करार दिया जाता है, उसे वहां पर 9 विकेटों से शिकस्त दे दी जाती है। रिजवान की कैप्टेंसी की तारीफ हो रही है, पाकिस्तानी बॉलर्स ने जहां पर शानदार खेल का मुजाहरा किया, वहीं सैम अय्यूब ने 82 रन की शानदार इनिंग खेली और साथ ही साथ अब्दुल्ला शफीक भी उनके साथ डटे रहे, और फिर जब वो आउट हुए तो बाबर आजम आए और छक्का लगाकर उन्होंने जो मैच का अहतमाम किया उसने मजा दोबाला कर दिया है। क्या कुछ चल रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क के मीडिया में, जो कि पाकिस्तान को इस सीरीज से पहले ये कह रहे थे कि पाकिस्तान किसी भी तौर पर जीत नहीं सकते। आइए आपको इस वीडियो में उन्हीं की जुबानी अब पाकिस्तान की तारीफ में सुनाते हैं। क्या एडम जैम्पा, अनदर फ्यूचर सुपरस्टार फॉर पाकिस्तान, शुरुआत दमदार किए, दूसरा ओडीआई मैच खेल रहे थे और जैसे उन्होंने खेला है आप देख लो, 71 बॉलों पे 82 रन, बाय द वे एक समय पे 23 बॉलों पे 6 रन थे, याद रखिएगा, एक समय पर 23 बॉलों पे 6 रन, 26 बॉल पे 6, भाई साहब 26 बॉल पे 6 रन, तो सोचो उसके बाद क्या तबाही मचाई होगी। 5 चौके 6 छक्के 119 की स्ट्राइक रेट यहाँ पे सैम अय्यूब, 115 की स्ट्राइक रेट, चलिए ठीक है 120-115 बात बराबर ही है, लेकिन सैम अय्यूब ने ऊपर से तोड़ दिया, अब्दुल्ला शफीक ने ऊपर से तोड़ दिया, और उसके बाद तो फिर औपचारिकता बाकी रही, नैनो में सपना हो जाए। आप पाकिस्तान को यहाँ पे क्रेडिट नहीं दोगे ना तो बात ही खत्म हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को बोलोगे जी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत खराब खेला, नहीं, पाकिस्तान ने गलत करवाया इनसे, पाकिस्तान के आगे घुटने टेके इन्होंने। जबरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, डोमिनेशन दिखाई दी इस मुकाबले में, पाकिस्तान ने आकर पहले तो ऑस्ट्रेलिया को निपटाया, डोमिनेशन वाली जीत कहेंगे, हम सोच रहे थे कि भाई इतना तो मतलब नहीं आसान होगा, फंसाएगा जरूर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ऐसे थोड़ी है कि 164 में आपको छोड़ देगा, जीत सकती है पाकिस्तान पर फंसाएगा जरूर यहां पर, लेकिन सौरभ फंसाया नहीं, मतलब पाकिस्तान के लिए सैम अय्यूब तो ऐसे आए कि थोड़ा सा दर्द लेंगे लेकिन उसके बाद दर्द देंगे बहुत ज्यादा। पाकिस्तान की बैटिंग, अब्दुल्ला शफीक, सैम अय्यूब, बाबर ने चलो, अरे भाई क्रेडिट लेगी अलग बात है, उससे ज्यादा प्रियांशु जी सबसे बड़ी चीज पाकिस्तान की बॉलिंग, एग्जैक्टली मैं उस पे आ रहा था, बॉलिंग से जीते हैं, बैटिंग तो बात की बात है, जो इन्होंने 164 पे ही रोक दिया, वो तो खैर वहां पे हारिस रऊफ का 5 शाहीन अफरीदी की अर्ली विकेट्स, रिजवान की कप्तानी, यार वो तो मेन पॉइंट है भाई, उसने बॉलिंग रोटेशन करी है, पर यार देखो कोई जान होती यार, स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, जैम्पा, कोई हल्का बोलिंग अटैक नहीं था, ये 164 का भले ही चेस था पर कम से कम ये तो एक्सपेक्ट करते कि नहीं यार चलो पाकिस्तान को थोड़ी तो फाइट मिलेगी, थोड़ी मुश्किल से जीत मिलेगी, लेकिन यहां तो ऐसा लगा कि भैया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दोनों ने अपनी पर्सनैलिटी से स्विच कर ली है कि वो पाकिस्तान है और वो ऑस्ट्रेलिया है, वो विकेट देने का नाम नहीं ले रहे, ये विकेट ले नहीं रहे, तो हालतें इतनी खराब थी, पर पाकिस्तान ने यार देखो इतिहास रच दिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी ने सोचा नहीं था, दुबई की ताली आपको बजानी पड़ेगी भारी दिल से, कोई बात नहीं होता रहता है, होता रहता है जी, कोई बात नहीं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके मुल्क आपके दोस्त जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम 163 रन ही बना पाई जिसमें हैरिस रऊफ ने शानदार गेंदबाजी की। आप अगर स्कोर कार्ड देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का तो यहाँ पे 19-13, 35, 18, 6, 14, 16, 13, 1 रन, 18 रन, ये स्कोर कार्ड है क्योंकि हैरिस रऊफ ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 8 ओवर में 29 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट लिए। नसीम शाह ने 1 विकेट अपने नाम किया। कुल मिलाकर रफ्तार के आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम बोनी साबित हुई और ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में सिर्फ
163 रन ही बना पाई, उसके बाद खेलेंगे। और टाइम की यार देखो बात वही आ जाती है सौरभ कि अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, कोई नहीं देखता स्ट्रगल आपका, आप आउट होकर चले जाओगे सब ये कहेंगे इसके बस की बात नहीं थी आउट हो गया। स्ट्रगल के बाद आपको निकलना है, अपने को अगर वहां पर सेटल कर दिया रन बनाकर आओ। भाई सैम अयूब ने वो रन बनाकर दिखाया, मैं एक बार बता देता हूं, सैम अयूब ने 82 रनों की पारी खेली, 71 बॉलों में 5 चौके 6 छक्का। जो इन्होंने मिथिल स्टार्क को लगाया ना यूं क्लिक करके पीछे छक्का, भाई उसका तो यार वो यार तो फैन है, मतलब आप कमाल है, रील वाला शॉट है। शफीक ने भी बनाए 69 गेंदों में 64 रन 4 चौके 3 छक्के। बाबर आजम आए, वो भी थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ लेकिन फिर एक छक्का मारा और 15 पे नॉट आउट गए। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस, आप डोमिनेशन देखो, सीरीज हो गई है बराबर बिल्कुल। और इस सीरीज एक छक्के ने मैच जिताया, मैंने भाई बोला कि एक छक्के ने मैच जिताया। जो फाइनली आपको लगा कि सबसे बड़ी शिकायत थी इनकी, वो शॉट हुई कम से कम नहीं। आज काफी सारे पॉजिटिव थे लेकिन एक शिकायत जो हमेशा रहती थी कि भाई ये पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर थे ये भागते हुए स्पिनर क्यों बन गए थे, ये हमेशा से एक शिकायत रहती थी। मतलब पिछले एक डेढ़ साल से दो साल से आप देख लो, चाहे आप T20 देख लो, चाहे आप ODI देख लो, चाहे आप टेस्ट क्रिकेट देख लो, कि ये शाहीन, ये नसीम, ये टेपिया, इन लोग को हो गया ये भागते हुए स्पिनर क्यों बन गए। हमको बोलते थे ना भूवी को देखते हुए कि भाई भागते स्पिनर है ना, आप शमी भाई को बोलते थे भागते हुए स्पिनर है। तो पिछले डेढ़ साल से जो इनकी कुटाई हुई, जो रगड़ाई हुई, जो रेला इनको, जो पेला इनको, जो थपेड़े मारे इन लोगों को जी, उसके बाद आज मैंने देखा बड़े दिनों बाद, मतलब पिछले गेम में भी देखा जब शाहीन ने वो जब एक दो विकेट आए और बीच में टीपिया ने बॉलिंग कराई थी पहले गेम में, लेकिन उसके बाद आज मतलब अर्ली विकेट ले रहा है शाहीन। कब कितने टाइम बाद हमने देखा था कि भाई पहले ही शुरुआत में विकेट शाहीन ले रहा है। बाबर आजम के लिए बोलते हैं यार, बाबर आजम से 30 यार्ड पार नहीं होता, बाबर आजम सिक्स नहीं लगाते। 10 नवंबर को अगला मैच, बाबर आजम ने आज जो है आके एक सिक्स लगा दिया, तो कम से कम जो उनको क्रिटिक करके जो बोलते हैं उनके क्रिटिक जो हमेशा बोलते रहते हैं तुम कब करोगे क्या करोगे, तो चलो आज तो खैर बाबर आजम की बैटिंग ही उतनी आई, लेकिन उतनी में कम से कम जैम्पा को छक्का मारा है तो ये कॉन्फिडेंस तो मिलेगा कि यार जैम्पा को मारा है, वरना हमेशा ही बोलते हैं कि यार क्या करते हो, जैम्पा ने आउट किया था इनको बाबर आजम को। भैया मैं आपको एक बात बताऊं कि आखिरी बार जब जीती थी ना ऑस्ट्रेलिया इस ग्राउंड पे वो पाकिस्तान, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम में। अच्छा, तुम पैदा लेट हुए या फिर ऑस्ट्रेलिया जल्दी हार गई अपने घर में पाकिस्तान से 28 साल बाद, यानी कि मतलब बड़े बड़े खिलाड़ी आए और वसीम अकरम ने तो ये बोल दिया था कि मैं तो सरप्राइज हो जाऊंगा कि अगर एक भी मैच जीत गए। मैं पैदा हो गया था, मेरी क्रिकेट की समझ ही नहीं, मैं समझ क्या थी मतलब कुछ एक साल का था, पालने में था उस टाइम। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, वसीम अकरम ने तो ये बोल दिया कि भाई अगर ये एक भी मैच जीत जाए तो मुझे ताज्जुब, क्योंकि वो सेफ जा रहे थे कि यार मेरी कमेंट्री बॉक्स में बेइज्जती ना हो चारों तरफ से मेरे को। उनके वहां से मैंने सुना कि पाकिस्तान से बोला भी गया था कुछ, उनके वहां पे जो भी ब्रॉडकास्ट करते हैं एंकर वैंकर टाइप के, उनकी तरफ से था कि दो वीडियो आपने मुलायजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, खासकर मोहम्मद रिजवान की कैप्टेंसी जो कि उनकी पहली सीरीज है एज अ कैप्टन, उस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।